हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कार्म&CO कंपनी में। और यहां हम डिस्कस करने वाले हैं 8th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 और ये आखिरी चैप्टर है इसमें। और इसमें हम बात करेंगे उपनिवेशवाद और शहर, यानी कि एक शाही राजधानी की कहानी, इसको पूरी तरह समझने की कैसे हुआ क्या हुआ आइए देखते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ। आप पहले देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जीवन किस तरह से बदल गया, इसी समय शहरों में क्या हो रहा था। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरै जैसे मंदिरों के शहरों का इतिहास, ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा, क्योंकि शहरों की भी अपनी अलग कहानी होती है। कुछ कोस्टल एरिया वाले होते हैं तो कुछ अंदर की तरफ रहते हैं। पश्चिमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर यानी कि औद्योगिकरण के साथ सामने आए। ब्रिटेन में लीडर्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेजी से फैले, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिमी यूरोप के शहरों की तरह तेजी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ इनको हम देखेंगे। देखिए वापस 18वीं सदी के आखिर में कोलकाता, बंबई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे और उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमजोर पड़ते जा रहे थे। खास चीजों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहां जो चीजें बनती थी उनकी मांग घट रही थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफी ज्यादा विशहरीकरण हुआ। 20वीं सदी या फिर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहर में रहते थे। ऐतिहासिक शहर यानी कि एक इसको शाही शहर में बोलते हैं कि ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। तो ध्यान रखना 1912 में भारत की राजधानी क्या बनी थी, दिल्ली। आइए दिल्ली की कहानी को देखकर समझे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियां थी इसको भी देख लेते हैं। आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते रहते हैं, क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 साल से भी ज्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गई थी। आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाई गई राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण है। तो 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हम देखेंगे। इन शाही राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाही राजधानी इसको हम कहेंगे तो शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहांबाद की स्थापना 1639 में हुई। इसके भीतर एक किला, महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकाली जा सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर हुआ करती थी। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिद में से एक थी। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं हुआ करता था। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। यहाँ कई दरगाह, खानखा, ईदगाह थी। बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुलदे शेख और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाच हुआ करता था। शायद इसलिए मीर तकीर मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं,
वो तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं, लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था। इसके ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्सों में ही आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा हो चुका था वहां पर भी, और हवेलियों के बीच गरीब के असंख्य कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। त्योहारों और जलूसों में जब तब टकराव भी फूट पड़ते थे, सो अलग अलग कई बातें देखने को मिली थी। अब हम सब बात करते हैं कि नई दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ। 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। यह बात ध्यान रखना, अंग्रेजों ने मराठों को हराया था 1803 में जब दिल्ली पर नियंत्रण हासिल किया, क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है, यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब ब्रिटिश भारत की राजधानी से बनाया गया। एक अतीत का ध्वंस देखते हैं। 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफी अलग था, अलग थे। मद्रास, बंबई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग अलग होती थीं। भारतीय लोग काले इलाकों और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था, जबकि खासतौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराने शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। वे भी उर्दू, फारसी, संस्कृति व शाही या फिर शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी भी करते थे। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी के मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्थान ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात भी कर दिया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण का काल कहते हैं। 1857 के बाद ये सब कुछ बदल गया। उस साल हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया और 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में ही रही। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन ने इन शब्दों को घटनाओं में देखा है देखकर कहा था 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया। जब गुस्साए शेर यानी कि अंग्रेज शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर घर जला डाले। न जाने कितने औरत मर्द आम तौर या फिर आम और खास 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और छोटे छोटे समुदाय तथा शहर के बाहर मकबरों की पनाह ली। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा या म्यांमार भेज दिया, उनका दरबार बंद कर दिया, कई महल गिराए दिए गए, बागों को बंद कर दिया गया और उनकी जगह सैनिकों के लिए बंकर बना दिए गए। अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। किले के इर्द गिर्द सारा इलाका साफ करवा दिया गया था। वहां के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दिए गए थे। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा, यह बात ध्यान रखना, मंदिरों को उन्होंने नहीं तोड़ा था। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे, खास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर जीनत अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दीली कर दिया गया। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाजत नहीं मिली। शहर का एक तिहाई हिस्सा ढह दिया गया। नहरों को पाट कर समतल कर दिया गया। रेलवे की स्थापना करने और शहर को 4 दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए और विशाल सिविल लाइन्स इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहरों में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया। एक नई राजधानी की योजना। अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व की अच्छी
तरह पता था कि इसका संकेतिक महत्व भी है। लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहां बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी क्या वजह रही होगी? देखिए, विद्रोह के दौरान अंग्रेज ये समझ लिए थे कि लोगों की नजर में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाह और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया था। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन किया गया। कलकत्ता के बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इस दरबार में ऐलान किया गया। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। एडवर्ड लटेंस और हर्बर्ट बेकर के नाम के दो वस्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। नाम ध्यान रखना, एक का नाम है एडवर्ड लटेंस और दूसरा का नाम है हर्बर्ट बेकर। ठीक है, अब नई दिल्ली की स्थिति सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता, वायसराय के महल यानी वर्तमान राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले किंग्सवे यानी कि वर्तमान जिसको हम बोलते हैं राजपथ, ठीक है, और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारत बनाई गई। ध्यान रखना किंग्सवे मार्ग है। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती है, फिर भी इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिक यूनान यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का दिखाई देता है। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुम्बद सांची में बने गौतम बुद्ध के जो स्तूप की बनावट पर आधारित था। ध्यान रखिएगा, लाल भुरभुरे पत्थर और नकाशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्पकार से ली गई थी, लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी। इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। यह काम कैसे किया जा सकता था? नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बसाने का था जो शाहजहांबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। उसमें भीड़ भरे मोहल्ले और संकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कें और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी। नए शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे, इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी की निकासी और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई थी। उसे ज्यादा हरा भरा बनाया गया था। वहां पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताजी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। विभाजन के समय जीवन कैसा था देखते हैं। 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई। रोजगार बदल गया और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घर बार लूट लिए गए, जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। शाहजहांबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर भी किया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे। लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतजार में काम चलाओ शिविरों में रहने लगे। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई थी। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई, जबकि 1951 में यहाँ की आबादी 8 लाख से कुछ ही ज्यादा हुआ करती थी। ज्यादातर लोग पंजाब से आए थे। वे शिविरों
स्कूलों, फौजी बंकरों और बाग बगीचों में आकर रहने लगे। उनमें से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कब्जा करने का मौका मिल गया। बहुत सारे लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थी। दिल्ली में आने वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खोल गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए। जो लोग जहां यहां से गए थे उनकी जगह आए शरणार्थियों की निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण, भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी जिंदगी और उनके व्यवसाय बदल दिए थे। फेरी वाले, पटरी वाले, बढ़ई और लुहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए। इनमें से बहुत सारे नए व्यवसायों में काफी सफल भी रहे। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शाही संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के बीच दब गई। अब देखते हैं पुराने शहर के भीतर। इसी बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ? अतीत में मुगलों के जमाने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पानी का पीने का ताजा पानी आता था बल्कि दूसरी घरेलू जरूरतें भी के लिए भी पानी मिल जाता था। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नजरअंदाज किया जाने लगा। कुओं, बावड़ी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। टूटी फूटी नहरें इस तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित कर दी गई। जल्द यह प्रणाली भी बहुत से चरमराने लगी। बहुत सारे अमीर लोग को सड़क किनारे बहती नालियों और उपनते खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। तथापि उसी समय नई दिल्ली के इलाकों में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए। हवेलियों का पतन कैसे हुआ? 17वीं और 18वीं शताब्दियों में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर ऐसे कम से कम 100 हवेलियां दिखाई देती है। ये चार दीवारी से घिरे दलान और झड़ने वाली भव्य इमारतें थी। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक के भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले आते हुए अहाते में पहुंच जाते थे। इनके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने हुए थे जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल किया करते थे। भीतरी दलान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेलियों के कमरे का कोई कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था। उनमें फर्नीचर बहुत कम हुआ करता था। यहां तक कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी कमर अल दीन खान की हवेली कई इमारतें थी। उनमें गाड़ी वालों, तंबू लगाने वालों, डेरे वाला या मशालची, खातेदारों, क्लर्कों, घरेलू नौकरियों में रहने के इंतजाम था। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन शिवालकाय इमारतों को संभालने की भी हालत में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियां बढ़ने लगी, उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो नए हिस्से सड़क पर खुले रहते थे वहां दुकानें या गोदाम बन गए। कुछ हवेलियां नए उभरते व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में चली गई। बहुत सारी उपयोग में ना होने के कारण बेकार भी हो गई। औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलवा छत वाली इमारत होती थी। ये बंगले आमतौर पर एक या दो एकड़ के खुले स्थानों पर बने थे। इनमें रहने, खाने और सोने के कमरे अलग थे। अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में तीन तरफ बरामदा बनाया गया था। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान के अगले भाग में बनाए जाते थे। घर की देखभाल के लिए दर्जन नौकर होते थे। परिवार की औरतें अक्सर दर्जियों या अन्य कारीगरों पर नजर रखने के लिए बरामदों में बैठा करती थी। नगर पालिका योजना बनाती है। 1931 की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर के इलाकों में भयानक भीड़ है।
यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत हुआ करता था। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा डिफरेंस था। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उनका फैलना जारी रहा। पुराने शहर में निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। इसके पीछे सोच यह थी कि जहां के लोग निवासियों को पुराने शहर से अलग नए शहर के चारों यानी चौराहा बाजार की तरफ ढकेला जाए। इस चौराहा या फिर चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई। इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तैयार की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा था। मोहल्ला के निर्माणों के लिए जमीन को एक ऐसे टुकड़ों में बांट दिया गया था। इस नए स्थान को क्लार्कगंज, ठीक है, क्लार्कगंज का नाम दिया गया। यह कभी पूरा नहीं हो सक पाया था और उसने पुराने शहर को भीड़ से आजाद कराने की कोई उम्मीद नहीं की। यहां तक कि 1912 में भी इस नए स्थान पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था खराब कर दी गई थी। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज, दक्षिण दिल्ली जैसे इलाके बनाए गए। यहां पार्कों के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बने। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बांटी हुई थी। अब बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के अलग अलग जगह होने लगी थी। तो ये था इस चैप्टर का एनालिसिस पूरा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कोई और क्लास की बुक के बारे में। ठीक है, तो ये वाली बुक यहाँ पे 8th क्लास की खत्म हो चुकी है। बाय बाय, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।